अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हैं वो हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला। तो इंट्रोडक्शन आपको देते हैं अपनी एएस लेवल केमिस्ट्री का। एनिमेशंस भी दो हो जाए ना। तो इंट्रोडक्शन टू एएस लेवल केमिस्ट्री है, सिर्फ एएस की। तो इंट्रोडक्शन से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे होंगे कि आपने बुक कौन सी होगी आपकी इस्तेमाल करने वाली, और कौन कौन से पेपर कितने आप देते हैं एएस में, और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, सिर्फ इसकी बात कर रहे होंगे। सिलेबस जो है वो हम जैसे जैसे लेक्चर करते रहेंगे, लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें सिलेबस गो थ्रू कर लेंगे क्या क्या है इसमें। सो ये वाली बुक आपकी है एएस और ए लेवल दोनों के लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड एडिशन है, लेकिन अब ये सेकेंड एडिशन तो आप ये वाली बुक पुरानी हो गई है, इसके बाद इसकी थर्ड फोर्थ एडिशन भी आ चुके हैं। तो आपने जो लेटेस्ट लेनी है, लेकिन बुक ये वाली है, ये लॉरी रियान एंड रॉजर नॉरिस की है। तो अगर किसी के पास घर में ये वाली बुक है किसी बड़े बहन भाई की, तो वो ये भी इस्तेमाल कर सकता है, ये अच्छी बुक है। ठीक है, तो कोई वो नहीं है। अब आगे आते हैं, तो पेपर कौन से आप देते हैं, पेपर वन देते हैं, पेपर टू देते हैं। पेपर वन जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, सवा 1 आवर 15 मिनट्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है, 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द एएस लेवल सिलेबस कंटेंट। ठीक है, और पेपर टू जो होता है वो एएस लेवल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द एएस लेवल सिलेबस कंटेंट, 1 आवर 15 मिनट, 60 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा ये पेपर वन पेपर टू हो गया। इसके अलावा प्रैक्टिकल का पेपर होता है पेपर थ्री, तो ये 2 आवर्स का होता है, 40 मार्क्स होते हैं। प्रैक्टिकल वर्क्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्किल्स इन द प्रैक्टिकल असेसमेंट। पेपर वन और पेपर टू की तैयारी हम करवा देते हैं, पेपर थ्री की जो तैयारी है वो तो आपकी लैब में होती है, तो लैब का टीचर मैं नहीं हूँ। अब आगे आते हैं सिलेबस कंटेंट ओवरव्यू के ऊपर। तो हम ये कहते हैं कि एएस लेवल केमिस्ट्री जो है उसमें तीन कंटेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और फिजिकल केमिस्ट्री है। बड़ी इत्तेफाक की बात यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री को इधर होना चाहिए, ऑर्गेनिक को इधर होना चाहिए, इनऑर्गेनिक को इधर होना चाहिए, उल्टा लिखा, जरा ऑर्डर खराब हो गया। ठीक है, तो ये तीन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, फिर एटम्स, मॉलिक्यूल एंड स्टोइकोमेट्री आता है, फिर केमिकल बॉन्डिंग आता है, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर आता है, उसके बाद आपके पास केमिकल एनर्जेटिक्स आता है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, फिर इक्विलिब्रिया आता है, फिर रिएक्शन काइनेटिक्स आता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें 4 चैप्टर्स हैं, और वो हैं पीरियोडिसिटी के, ग्रुप 2, ग्रुप 17 और नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक हो गया। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन्स, हैलोजन एल्केन्स, हैलोजन कंपाउंड्स, हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स, हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक हो गया। तो बस ये है आपके ए लेवल में, सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक सबसे बड़ा है। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये नहीं है, ये एक ही है, दो लिखे यार, ये असिस्टेंट लिखता टाइप करता होता है, उसने गलत टाइप कर दी। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक है ये सबसे लंबा चैप्टर है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स है जो कि एल्केन्स और एल्कीन्स के ऊपर है, उसके बाद हेलोजिनो एल्केन्स है। ठीक है, एल्केन्स जो कि हेलोजिनो के साथ है, उसके बाद आपके पास हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स है यानी कि एल्कोहल्स हैं, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, इसमें आ जाती हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाते हैं। ठीक है, दैट इज इट फॉर द एएस लेवल सिलेबस कंटेंट।